ऊपरती है तो क्या है। तो पहले तो थोड़ा माहौल चेंज हो जाए तो थोड़ा तालियों से शुरुआत करती है, ठीक है। अब स्काउट ताली तो सभी जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्काउट ताली से शुरू करते हैं। स्काउट ताली खाना भी है और ये तो गतिविधियां होती है। दो मिनट पांच मिनट में हम क्लास के लिए शांत कराने के लिए करा सकते हैं। दूसरी पंच ताली कितने लोग जानते हैं? एक और कोई? दो बस। पंच ताली बताएं जरा, बताएं आप, बताएं थोड़ा सबको, बताएं कैसे बजाना है। पंच ताली से ऐसे बोलते हैं, पंच ताली चल एक दो पंचताली मतलब पहले दो बार ढीले और तीन बार तेज। चलिए पंचताली चल दो। बस तीन बार करना है, ठीक है। तो ये पंचताली है। इसके बाद एक ताली बजवाते हैं हम, विशेष ताली। कितने लोग जानते हैं? एक दो तीन। चलिए क्योंकि जो अधिकांश प्रशिक्षण में करवाते रहते हैं, बताइए जय हिंद जी कैसे विशेष ताली। बताइए बताइए जरा खड़े होकर। अच्छा देवेंद्र जी आप बता दिए विशेष ताली। चलती है बरसा ताली, उससे भी सभी लोग परिचित होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं है परिचित, परिचित लगभग नहीं है तो शुरू करेंगे। सब बरसा ताली मतलब पहले एक उंगली से फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पड़ 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 बरसा फिर धीरे धीरे घटाते हुए, ठीक है। बरसा ताली चल दो। और इसी में एक इंजन ताली। इंजन ताली से कितने लोग परिचित हैं? आज सीमा जी कराएंगे। अरे तो करवा दो, क्या दिक्कत है इंजन ताली। चलिए इंजन ताली में क्या हम आप किसी भी प्रकार से इंजन का उनको संकेत देते हुए, जिस प्रकार से हम जैसे मान लीजिए ऐसे कर दिया कि यहाँ पे अभी इंजन रुका है तो इंजन ताली चल दो नहीं बोलना है इसमें। इसमें तो उन्हें बता देना है अपने आप इंजन स्टार्ट होगा उनकी ताली स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे इंजन की गति बढ़ेगी वैसे वैसे तालियों की गति बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देखिए अभी इंजन स्टेशन पर खड़ा हुआ है, अब इंजन चालू होगा तो आपको जब चालू होगा तो धीरे 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 स्पीड बढ़ेगी तो आपको स्पीड अपनी बढ़ा के जाना है। और जब रुक जाए इंजन तो रुक जाना है। चलिए सर जी वाली नहीं पता ना, तांगा ताली, तांगा ताली नहीं पता। तांगा ताली बता देंगे तो वो अभी तांगा ताली है, रॉकेट ताली है। ग्रीन
गतिविधि करा रहे थे और गतिविधि का नाम है ऐसा करो वैसा करो। इसमें भी क्या है कि बच्चों के ये दोनों चीजें देखना भी और सुनना भी दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा करो में क्या करना पड़ता है, जैसा हम करेंगे वैसा आपको करना है, वैसा करो में जैसा हम करेंगे वैसा आपको नहीं करना है। बताइए समझ में, जब हम कहेंगे ऐसा करो तो जैसा हम कहें वैसा आप सभी को करना है, जब हम कहेंगे वैसा करो तो हम चाहे जैसा करें आपको नहीं करना है। अभी हम लोगों में तो सरलता से होगी लेकिन बच्चों के बीच में बड़ा मजा आता है इन चीजों को आने से। चलिए शुरू करते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो वैसा करो। देखिए कुछ होंगे नहीं करना था आउट नहीं करना था, ठीक है आउट होने वालों को हमारे बुलाते, उससे क्या होता है जब अलग आएंगे बच्चों में उत्साह होता तो अच्छी नहीं अच्छी तरह से सुनते हैं उस प्रयास करते। चलिए आगे फिर शुरू करते हैं, ऐसा करो देखो कई लोगों के पहुंच गया ऐसा करो बोला था मैंने वैसा करो भाई हाँ नहीं जाना था तुम्हारी भी सुनी नहीं पहले अच्छा सुनी नहीं चलिए सुनाओ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। चलिए ठीक है कोई बात तो ये बस हमारा कहने का तात्पर्य है थोड़ी थोड़ी चीजें बताना केवल ज्यादा समय नहीं और आप एक गतिविधि को उनके बीच घोषणा तक करा सकते हैं ठीक है ना उनमें रोचकता आएगी। एक और गतिविधि कराते जैसे गोरा काला कितने लोगों को मालूम है गोरा काला एक जबकि हम एडवांस बताते हैं गोरा काला में क्या बच्चों के लिए ऐसा हाथ आगे करवा दिया और ये हिस्सा क्या हो गया काला और ये हिस्सा क्या हो गया तो इसमें भी वही है कि देखना और सुनना और जो आउट होते जाते उनको आउट करते हैं एक एक मिनट के लिए हम करवा रहे हैं यहाँ पर उल्टा सीधा करवा कुछ भी पहले ऊपर नीचे का कुछ नाम है जैसे रात वही तो ये छोटी छोटी गतिविधियां। चलिए थोड़ी सी गतिविधि अब हम आपके लिए लेते हैं, आपको करना क्या है भाग्य और भाग्य संख्याओं से सब परिचित हैं, थोड़ा आपको सोचना है ये भी हम बार बार कराते हैं ये अपने लिए भी और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है ही है कि उनको भाग्य भाग्य से परिचित कराना धीरे धीरे खेल खेल में ही वो क्यों खेल में रुचि लेते हैं उस समय वो बात सुन लेते हैं उस समय वो बातें उन्हें जल्दी समझ में आ जाती है। तो यहाँ तो भाग्य और भाग्य से सभी परिचित हैं, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको भाग्य और भाग्य में कंफ्यूजन हो। भाग्य संख्या जिसमें शेष ना बचे ठीक है किसी भी